इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लास्टिक मटेरियल होती है जिनका यूज करके हम प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में या हाउस होल्ड पार्ट्स में जो भी कंपोनेंट होती है उन प्लास्टिक मटेरियल का हम यूज करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं उन प्लास्टिक मटेरियल का प्रोसेसिंग टेम्परेचर क्या होता है, मोल्ड टेम्परेचर क्या होता है, प्री ड्राइंग टेम्परेचर क्या होता है, इन तीनों टेम्परेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो प्लास्टिक मटेरियल होती है उनको प्री ड्राइंग अगर करते हैं टेम्परेचर को तो कितने घंटे के लिए उनको रखते हैं, कौन कौन से मटेरियल होते हैं और कौन कौन सी मटेरियल का कितना हावरली टेम्परेचर होता है, प्रोसेसिंग टेम्परेचर कितना होता है, इन सभी टेम्परेचर के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा मटेरियल है पोम, POM, पोम पॉलीऑक्सीमेथिलीन। ये इंजीनियरिंग मटेरियल होता है, ये पॉलीऑक्सीमेथिलीन है। इसका अगर प्रोसेसिंग टेम्परेचर दे रहे हैं इस मटेरियल का तो 160 से 280 डिग्री सेंटीग्रेड हम प्रोसेसिंग टेम्परेचर देते हैं, बैरल का टेम्परेचर, जिसको हम प्रोसेसिंग टेम्परेचर बैरल का टेम्परेचर बोलते हैं। और इस पोम का मोल्ड टेम्परेचर 10 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम रखते हैं, MTC का टेम्परेचर। जो MTC अगर इसका मटेरियल का हम कोई कंपोनेंट बना रहे हैं तो उस मोल्ड में हम MTC का टेम्परेचर 10 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम रखते हैं। और जो पोम मटेरियल होती है पॉलीऑक्सीमेथिलीन, इस मटेरियल का अगर हमको ड्राई करना है, प्री ड्राई करना है, तो 2 से 3 घंटे के लिए रखते हैं, 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर सेट करके उसको हम 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देते हैं ड्राई होने के लिए। सेकेंड मटेरियल हमारा क्या होता है, HIPS। HIPS मटेरियल है। HIPS मटेरियल का अगर प्रोसेसिंग टेम्परेचर देखेंगे तो 170 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम उसको रखते हैं प्रोसेसिंग टेम्परेचर। जो HIPS मटेरियल होता है उसका अगर हम मोल्ड का टेम्परेचर दे रहे हैं, अगर HIPS मटेरियल का कोई कंपोनेंट बना रहे हैं तो अगर MTC का टेम्परेचर रखना होगा तो 10 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसको भी हम रखते हैं। और इसकी ड्राइंग टेम्परेचर कितना होता है, देखिए अगर इसको हम ड्राई करना है इस HIPS मटेरियल को तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम इसको रखते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद ये ड्रायर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे PVC मटेरियल, पोली वाइनिल क्लोराइड PVC मटेरियल। PVC मटेरियल को अगर प्रोसेसिंग टेम्परेचर देखेंगे तो 180 से 210 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी प्रोसेसिंग टेम्परेचर होती है, और मोल्ड का टेम्परेचर जो होता है वो 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये PVC है, एक रबर टाइप की मटेरियल होती है, तो इसका अगर हम MTC का टेम्परेचर सेट करेंगे तो 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम MTC का टेम्परेचर रखते हैं। और इसको अगर हमको ड्रायर देखना है कि कितना ड्रायर हो रहा है, कितनी इसकी ड्राई करने की क्षमता है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर को सेट कर देते हैं और 2 से 3 घंटे के लिए इसको हम छोड़ देते हैं ड्राई होने के लिए PVC मटेरियल को। नेक्स्ट मटेरियल कौन है, पम्मा, PMMA पम्मा। तो इसको हम अगर प्रोसेसिंग टेम्परेचर होता है, इसका प्रोसेसिंग टेम्परेचर 180 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका प्रोसेसिंग टेम्परेचर होता है, और मोल्ड का टेम्परेचर 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक देते हैं। इस मटेरियल का अगर हमको ड्रायर करना होगा तो 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड 2 से 3 घंटा या 2 से 4 घंटे के बीच में हम रखते हैं, 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए इसको हम पम्मा मटेरियल को रखते हैं ड्रायर करने के लिए। अगर ड्रायर करना होता है इस मटेरियल को तो 2 से 2.5 से 3 घंटे के लिए इसको हम रखते हैं। सैन मटेरियल नेक्स्ट है हमारा, क्या सैन, SAN सैन। इसको प्रोसेसिंग टेम्परेचर देना होता है तो 180 से
270 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम इसका प्रोसेसिंग टेम्परेचर यानी कि बैरल का टेम्परेचर हम सेट करते हैं। इसमें अगर मोल्ड का या एमटीसी का जो टेम्परेचर होती है उसको सेट करने के लिए हम 40 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड हम देते हैं सैन मटेरियल का, यस यान सैन मटेरियल का हम 40 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका एमटीसी का टेम्परेचर देते हैं। इस मटेरियल का अगर ड्राइंग टेम्परेचर देखेंगे तो 2 से 4 घंटे के बीच में रखते हैं, या तो 2.5 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए रखते हैं इस मटेरियल का 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, या तो 70 डिग्री या तो 80 डिग्री या 75 डिग्री पर सेट करके हम इसको 2 से 4 घंटे के बीच में रखते हैं। नेक्स्ट ABS एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरिन, ABS मटेरियल सबसे इंजीनियरिंग मटेरियल जो होती है ABS मटेरियल है जो ज़्यादातर ABS मटेरियल ही ऑटोमोबाइल पार्ट्स में यूज किए जाते हैं। तो जो ABS मटेरियल है उस मटेरियल का 180 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम प्रोसेसिंग टेम्परेचर देते हैं। जो बैरल का टेम्परेचर अगर हमको सेट करना होगा तो 180 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको सेट कर देते हैं, और इसको मोल्ड का एमटीसी का टेम्परेचर हमको देना होगा तो 50 से 90 या 90 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम 90 तक यानी कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड सेट करेंगे या 85 डिग्री या 90 डिग्री तक हम इसको एमटीसी का टेम्परेचर देते हैं। और इस मटेरियल को 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करके इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ड्राई होने के लिए। इस मटेरियल का अगर ABS मटेरियल का ड्राई करना होता है ना हमको ड्राई करने के लिए 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करते हैं 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं जिससे वो ड्रायर हो जाता है ABS मटेरियल। PP मटेरियल का अगर PP मटेरियल हम चला रहे हैं तो उसको मैक्सिमम 190 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोसेसिंग टेम्परेचर देते हैं, तो 190 से 210 220 230 तक हम इसको सेट करके प्रोसेसिंग टेम्परेचर देते हैं। अगर MTC का टेम्परेचर देना होगा तो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही हम रखते हैं, क्योंकि PP मटेरियल जो होती है वो सॉफ्ट मटेरियल होती है और इसकी डेंसिटी जो होती है वो थोड़ा कम होती है, और ये हार्ड मटेरियल नहीं होता, सॉफ्ट मटेरियल होता है PP। तो और इसको हमको ड्राई करना होगा, जैसे अगर मान लीजिए हम इसको ड्राई कर रहे हैं PP मटेरियल को, तो 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेट कर देंगे और उसको हम 2 से 3 घंटे के लिए उसको भी छोड़ देते हैं। 2 घंटे के लिए बहुत हो गया, 1.5 घंटे के लिए भी इसको रख सकते हैं और उसको ड्रायर करके हम इसको यूज करते हैं। कोई कोई मटेरियल PP में आता है जिसका हमको ड्रायर करना ज़रूरी नहीं होता है, अगर वही ग्लास फाइबर मटेरियल है PP में तो उसको हम ड्रायर करना पड़ता है। नेक्स्ट मटेरियल क्या है, PBT यानी कि पोली ब्यूटाडाइन टेट्रापैथलेट, PBT यानी कि PBT मटेरियल का प्रोसेसिंग टेम्परेचर कितना होता है, 220 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड हम सेट करते हैं प्रोसेसिंग टेम्परेचर, यानी कि बैरल का टेम्परेचर सेट करना होता है तो 220 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम सेट कर देते हैं। अच्छा, अगर हमको मोल्ड का टेम्परेचर सेट करना होगा PBT का तो 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 डिग्री सेंटीग्रेड हमको सेट कर देंगे MTC का टेम्परेचर, इतना के बीच में हम मतलब 50 से 100 के बीच में जितना भी रखना होता है हम सेट कर देते हैं। और इस PBT मटेरियल को 3 से 4 घंटे के लिए 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं इसको ड्राई करने के लिए। सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर PBT मटेरियल और PC मटेरियल को हम ड्राई करने के लिए देते हैं। तो PBT जो मटेरियल होती है उसको 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक के अंतराल में हम सेट करते हैं और 2-3 से 4 घंटे के लिए इसको हम छोड़ देते हैं।